विपत्ति में अक्सर आपने सुना होगा कि एमसीक्यू की क्लासेस हो रही हैं, पीजी एंट्रेंस की क्लासेस हो रही हैं, कहीं पे किसी जॉब वैकेंसी के लिए क्लासेस हो रही हैं, नॉर्मल क्लासेस, रूटीन क्लासेस होती हैं, बट इट्स रेयरली रेयर ओकेशन दैट वी आर मीटिंग है जहाँ पे हम क्लिनिक्स की बात करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन की बातें करेंगे, क्लिनिकल अप्रोच की बातें करेंगे. इट्स अ रेयर ओकेशन दैट वी आर मीटिंग है एंड आई कैन अश्योर यू दैट वॉट एवर यू विल गेट इट्स 100% क्लिनिकल एस्पेक्ट, 100% क्लिनिकल अप्रोच दैट यू विल गेट हियर. मैं सर के साथ पिछले 10 सालों से सर के साथ हूँ एंड वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम सर डेफिनेटली आई ओ इट टू सर. सबसे पहले जब सर से मिला तो देखिए टीचर में आप वट एवर वी फाइंड इन अ टीचर एंड वट एवर वी थिंक ऑफ अ टीचर इज दैट अ टीचर शुड बी अ रोल मॉडल. Until and unless a teacher is a role model to you, I think that he is not a teacher. So, सबसे पहले जब हम लोगों ने NIH में एडमिशन लिया MD में, तो जब सर दिखे तो ये लगा नहीं कि होम्योपैथी में भी कुछ किया जा सकता है. होम्योपैथी में जो हमारी आशाएं हैं, जो वट एवर वी थिंक ऑफ इट, वी कैन अचीव इट. पहली बार जहाँ से हमको वो रोल मॉडल सच होता दिखा होम्योपैथी में, आई एम इन होम्योपैथी सिंस 1999, 20 ईयर्स गोइंग, और पहली बार एंड 2009 आई वाज एडमिटेड इन MD NIH. 10 साल के बाद फर्स्ट टाइम दैट वी अचीव वाज अ रोल मॉडल. पहले भी होम्योपैथी की पढ़ाई बहुत की, हमारे एक सर थे जिन्होंने हमको ऑर्गनॉन बहुत पढ़ाया, माई यूजी लाइफ वॉज अ ट्रू होम्योपैथ. लेकिन उनके घर पे जब जाते थे, मेरी मदर जाती थी दिखाने, तो उनके घर के बाहर टूटी हुई ट्यूबलाइटें रखी रहती थी, उनका सोफा फटा हुआ रहता था. मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ही टॉट अस ऑर्गनॉन एंड एवरीथिंग. लेकिन वो जो रोल मॉडल की बात होती है, वो रोल मॉडल कहीं पे खो रहा था. एंड बिकॉज सी इन दिस योर एनवायरमेंटल अप्रोच एंड इन दिस योर कल्चरल अप्रोच, यू कैन नॉट लिव विद दोज indignities that we have, कि बटा हुआ सोफा बाहर छुट्टी हुई ट्यूबलाइटें रख कर, यू कैन नॉट गेट दैट अप्रोच. तो पहली बार वो जो अप्रोच मिला कि हाँ नहीं, सूट फूट में भी होम्योपैथी हो सकती है, वो सूट फूट की होम्योपैथी पहली बार 2009 में जब सर के पास आए तो पता चला नहीं होम्योपैथी करके भी सूट फूट नहीं, तो पहले ये मालूम था अगर सूट फूट में रहना है तो होम्योपैथी से हट के कुछ करना पड़ेगा, होम्योपैथी में रह के कुछ करना है होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स पे, तो यही टूटी हुई ट्यूबलाइटें और फटा हुआ सोफा ही रखना पड़ेगा. पहली बार 2009 में पता चला कि नहीं, सूट बूट के साथ भी अगर होम्योपैथी करनी है तो इस तरह से कर सकते. दैट वाज द रोल मॉडल दैट आई फाउंड इन सर. उससे पहले 10 साल के गैप में वो रोल मॉडल नहीं मिला. एंड मैंने मेरे पास तो कई सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं सर के साथ कि अगर मैं शेयर करूँ तो शायद आज के दिन सबको मौका ही नहीं मिलेगा. मैं वो शेयर करता जाऊँ सर के साथ मैंने क्या क्या सीखा, लेकिन दो तीन वाक्य तो सर बताऊंगा. एक अभी पिछले दिन सर के साथ मैं था, सर का लावाटी में चैम्बर था पहले, तो उस समय मैं एनआईएस में ही था. तो सर तो मटेरियल मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, लेकिन मैं तो ऑर्गनॉन का पीजी थी ना, तो थोड़ी सी डिफरेंसेस के कारण कई बार ऐसा होता था कि ऑर्गनॉन का आदमी पिंजरामेटिका में नहीं जाएगा या क्या करेगा. सर का पीछे वो भी है, वो भी हंस रही समझ रही है बातें हमारी. तो सर का चैम्बर होता तो लाहौटी में वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को वहाँ नए छोटी भी होती थी, तो किसी तरह से मैनेज करके मैं 12-1 बजे भत्ता का लाहौटी के लिए सर, मैंने किसी को खबर ना चले ऐसा करके. तो एक बार ही मैं 5 नंबर OPD में बैठा था, और 5 नंबर OPD में अक्सर करके पेशेंट होते थे वो थोड़े सेक्सुअल प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स ज़्यादा आते थे वहाँ पे किसी कारण. एक पेशेंट आया और सुबह से 7-8 पेशेंट ऐसे आ चुके थे, और वो 7वां 8वां पेशेंट, मुझे जल्दी भी थी जाने की, 7वां 8वां पेशेंट वो आया और उसके थोड़ी सी हेलिटोसिस भी थी, बैक ब्रेथ भी था. वो आके मुँह पे बिल्कुल घुस घुस के बता रहा था, डॉक्टर बाबू एरकम होच्छे, ये असुविधा होच्छे. हमने कहा ठीक है, थोड़ा तेज बोला, कोई नहीं सुन रहा, किसी को नहीं इंटरेस्ट है तुम्हारी बात में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह से बता रहा है, कहे घुसे जा रहा है. मैंने उसको डांट के बेइज्जत कर दिया. हमने कहा हाँ बोलो क्या. कहा नहीं,
कहा नहीं सर ठीक क्यों नहीं, बस ठीक दवाई दे दी। हमने भी उसको दवाई वाई दे के विदा कर दिया। उसके बाद भाई लेके हम अपनी बाइक भगे लाहौटी, लाहौटी सर के पास गए। अभी बैठे ही थे तब तक सर के पास एक पेशेंट आया और आके सर से बोलता है कि सर सर टू पर्सनल। तो उसका इतना बोलना था, सर ने उसके गले में हाथ डाला और सर के वहाँ लाहौटी में एक पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के पीछे मैंने कुछ पर्सनल बातें सुनने के लिए अलग से जगह बनाया हुआ। सर उसको गले में हाथ डाल के धीरे से ले गए, वहाँ सुन के उसकी बात आया उसको पूरा। और वो बात सुनने के बाद उसके चेहरे पे जो एक मैंने फुलफिलमेंट का वो था, एक एक्सप्रेशन था कि हाँ मेरी बात सुनी गई। तो मुझे बड़ा ग्लानी फील हुआ अपने ऊपर कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, मैंने उसको डांट के भगा दिया और उसके चेहरे पर उसने कहा नहीं सब ठीक है। और वही पेशेंट जब सर के पास आया, सर उसके कंधे में हाथ डाल के ले गया, उसकी बातें सुने उसके बाद। तो दिस इज मैंने व्हाट इज व्हाट वी कॉल इट होम्योपैथी से बाहर लेकिन क्लिनिकल अप्रोच। तो सबसे बड़ी बात मुझे जो सर में दिखी, एक होम्योपैथी तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सिखाने पढ़ाने वाले, लेकिन ये क्लिनिकल अप्रोच कि आप जो क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं पेशेंट को टैकल कैसे करना है। केवल आप मेडिसिन दे के ही टैकल नहीं, मेडिसिन के बाहर भी टैकल करने वाला ये जो कला है वो आपको सर के पास मिलेगा। और मैं सर से हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, सर एक बुक लिख रहे थे, मैंने कहा सर एक चैप्टर वो वाला भी दीजिएगा कि नॉन होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, कि मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विदाउट होम्योपैथिक मेडिसिन, वो कला मैंने सीखना। कि सर कहते हैं कि मेरा पेशेंट मेरे पास दो मिनट के लिए आता है लेकिन दो मिनट में संतुष्ट होकर जाता है, तीन घंटा वेट करने के बाद दो मिनट उसको मिलता है लेकिन दो मिनट में पूरी तरह से संतुष्ट। कम से कम पाँच छः घंटा और एवरेज तीन मिनट, लेकिन वो तीन मिनट में उसको लगता है कि हाँ मेरी बात पूरी सुनी गई। ये जो एक बने पेशेंट का सेटिस्फैक्शन है दैट इज बियॉन्ड मैंने सर नॉन क्लिनिकल बात ही सर आपको बताऊंगे, लोग नॉन होम्योपैथी वाली बात तो सर बताएंगे, ये अभी शायद बात बताएंगे। सर से एक चीज़ मैंने सीखा कि पेशेंट अक्सर क्या होता है कि कहीं पर भी कोई नोड्यूल कहीं पर गांठ कोई हुई हो तो पेशेंट बड़ा डरा हुआ लेकिन इसके आगे उसकी हिम्मत भी नहीं होती, कहने के लिए हमारी हिम्मत होती है। लेकिन सर ने सिखाया कि पेशेंट ऐसा पूछे तो उसका मतलब है कि उसको डर है कि कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो आप खुल के अगर उससे कहिए नहीं कोई डरने की बात नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी, तब उसके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन होता है उस दिन के बाद से मेरे पास कोई भी गांठ का पेशेंट आता है पहला काम मैं यही बताता हूँ उसको कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कभी भी ट्यूमर कैंसर इस तरह कोई चीज़ नहीं होगी। ये सुनने के बाद ही उसका जो सेटिस्फैक्शन एक होगा आप कभी भी फील करिएगा, क्योंकि उसके पहले जो डर है वो डर किसी से कह, क्योंकि उसको लग रहा है ऐसा ना हो कैंसर कहने से कैंसर हो जाए, इस डर के कारण वो कहेगा भी नहीं आपसे। लेकिन यू हैव टू फील कि उसका डर है, वो जो पूछ रहा है कुछ डरने वाली बात तो नहीं है, घबराने वाली बात, वो केवल ये अश्योरेंस चाह रहा है कि उसको कैंसर नहीं हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर श्योर कि कैंसर नहीं जाएगा, मेक योर पेशेंट रेस्ट अश्योर्ड कि वो कैंसर नहीं है। एक बार एक सर के टीचर थे, सर को सिखाते थे कोई कहेगा माथे में स्टेथोस्कोप लगाने के लिए तो पेशेंट सेटिस्फाई हो रहा तो लगा दो, सर कहते थे कि अगर वो कह रहा है एक बारी लगाने के लिए आप दो बारी लगा दो। सर ने सिखाया कि एक बारी कह रहा तो आप दो बारी लगाओ उसको स्टेथोस्कोप लगाने के लिए। एक बारी और की घटना बता रहा हूँ लाहौटी की। एक बार एक पेशेंट यूएसजी की रिपोर्ट लेकर आया और यूएसजी की रिपोर्ट पूरा चाय वाय गिरा हुआ था और उसने दिया, सर ने कहा इसको लगाओ, सर ने उसको व्यू मशीन पर लगाया, उसको देख के फिर उसको लौटा दिया। सर इसको चाय गिरा हुआ है, कहेगा इसको नहीं देखते तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर हो वहाँ पर भालू को देख लो, इसको देख जरूर लो, वो लेके आया है। मैंने पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम इम्पोर्टेंस बिफोर टू प्रिस्क्राइब एन मेडिसिन। अब ये मैंने नॉन होम्योपैथिक जो क्लिनिकल अप्रोच है सर की दैट इज फार एक्सीलेंट। और आप मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि इनको बीच बीच में वो टिप्स भी देते रहे सर की होम्योपैथिक टिप्स। एक सिंगल टिप्स बता रहा हूँ सर का, आप अक्सर सुने होंगे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर व्यथा हो रही है तो जोर जोर भाप था। तो जोर जोर भाप माने क्या, हम मैंने 2010 से पहले हम वहाँ पर लिखा करते थे फीवरिश लाइक कंडीशन, आप नहीं बता बट व्हाट इज दैट जोर जोर भाप था। पेशेंट जब ये कह रहा है जोर जोर भाप था, एक बार ये आप उसको खोज के जरा सा पूछेगा, जोर जोर भाप का उसका मतलब है कि ठंडा ठंडा लगता है, जोर मतलब टेम्परेचर नहीं कहना चाहता, शीत भाप, शीत शीत भाप लगता है और दैट इज समवेयर इंडिकेशन फॉर पल्सर। वो क्या पेशेंट कहेगा क्या आपसे डॉक्टर रात्रि खूब बैठा हो या बैठा हो डॉक्टर वो जोर जोर ऐसे जोर जोर भाप था। थोड़ा सा आप उसको खोद के देखिएगा
सर ने बताया, उसके बाद से एटलीस्ट सर 1000 पेशेंट ने तो इसको किया ही होगा, कम से कम पैसा भी अगर बताए कम से कम 10 लाख रुपए का सिम्टम भी हो चुका होगा आज तक। तो ये एक वो कहना क्या चाह रहा है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। आपको किताब में क्या मिलेगा, पेन विथ चिलीनेस। अब पेशेंट क्या बोलेगा, बेहतर सुनिए जोर-जोर भाग। तो ये ब्रिज जो दोनों के पीछे ब्रिज है, पेशेंट की लैंग्वेज और किताब की लैंग्वेज, ये ब्रिज कौन गैप कौन फुलफिल करता है। तो पेशेंट की लैंग्वेज को और किताब की लैंग्वेज के बीच का ब्रिज जिसको कहते हैं, दैट इज आवर टीचर, दैट इज अ मेंटर फ्रॉम होम वी ट्राई टू लर्न। एंड सर इज वन सच मेंटर, कि आपको ये पेशेंट का लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा कि पेशेंट जब बोल रहा है उसका मतलब क्या, कहां पर वो क्या कहना चाह रहा है, कब उसका मतलब है कि जोर जोर भाप माने, जोर जोर भाप माने हुआ कि चिलीनेस विद पेन। मैंने ऐसे मैंने हजारों हजार सिम्टम ऐसे होंगे कि जो सर के साथ मैंने सीखे होंगे। मेरी किताब में मैंने एरेंस की नोट में मैं लाया हुआ हूँ, उसमें कम से कम सैकड़ जगह पे ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन करके SZK, मैंने ये सिम्टम सर ने सिखाया, इसको ऐसे ऐसे यूज करना। थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स, थाउजेंड्स ऑफ, सर का एक अभी सर से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, मेरे कॉम्पिटेंट्स होते हैं वो लिखे हुए, तो सर ने कहा है तो हम भी भूल गए सर, उसका फोटो लेके आया है मेरे पास मेरी किताब। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम दैट यू कैन लर्न, बट बिफोर लर्निंग दैट यू मस्ट बी श्योर कि होम्योपैथी कहाँ पर जा। अगर आप होम्योपैथी देखिए, होम्योपैथी के कई सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट है विच कैन नॉट बी चेंज, दैट इज क्लिनिकल अप्रोच। होम्योपैथी में आज नौकरी बहुत ज्यादा है, स्कूल हेल्थ निकल रहा है, RPSK निकल रहा है, कहीं पे मेडिकल ऑफिसर निकल रहा है, कहीं पे रिसर्च ऑफिसर निकल रहा है, कहीं पे लेक्चर निकल रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ निकल रहा है, लेकिन वहां पर जाके होम्योपैथी का क्या हो रहा है, दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट। आज हम यहाँ पर होम्योपैथी में इस जगह पे हैं, इस एसी चेंबर में बैठे हुए हैं, इसके पीछे बहुतों की मेहनत है, लेकिन आज हम जो मेहनत करेंगे आगे वाला जनरेशन क्या खाएगा वो देखना होगा, क्योंकि हमारी मेहनत पे नेक्स्ट पॉलिसीज जो डिसाइड होंगी, दैट इज डिसाइडेड अपॉन आवर वर्क, आवर वर्च्यूज एंड व्हाट वी डू टुडे। अंटिल एंड अनलेस वी RPSK स्कूल हेल्थ मेडिकल ऑफिसर लेक्चरर की नौकरी करने से होम्योपैथी का कुछ विकास नहीं होगा। हाँ, आपका जीवन जरूर कट जाएगा, आपके फैमिली को आपके बच्चों को टेंशन जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनको नौकरी होम्योपैथी से शायद ना मिले आपके बच्चों, तो टू रेस्ट श्योर कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिले, वी हैव टू लिफ्ट अप दी होम्योपैथिक क्लिनिकल अप्रोच। क्लिनिकल अप्रोच लिफ्ट अप करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, किताब की पढ़ी हुई बातें नहीं मिलेंगी सर, जो भी बताएंगे क्लिनिकल अप्रोच से बताएंगे, केसेस के साथ लाइव बताएंगे सर के, मैंने खाते आप देखें सर के चाड़ी भर के खाते आते हैं, जब स्क्रीन पर बैठते हैं सर का खाता एक चाड़ी भर के आता है, तो कहते हैं सबके सामने सर का एक था, कहते थे कि 100 पेशेंट देखोगे तो 40 किलो मिठाई लेकर आए सर का, और सर कहते हैं क्लिनिक चल रही है ऐसे नहीं पता चलता है, क्लिनिक चल रही है सामने जब मुड़ी वाला चाय वाला चाय बेचने लगे, मुड़ी लगाने लगे, तब जानना कि क्लिनिक चल रही है। तो ये जो पैरामीटर है देसी लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेज सब बहुत किताबी बातें हैं, देसी लैंग्वेज में यही पैरामीटर है कि हाँ क्लिनिक चल रही है, कि जब आप बैठे तो बाहर दुकान बैठता है, बाजार बैठ जाए तो होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा, नहीं तो होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा बाहर पड़े बैठा हुआ है कि कोई उधर से आ रहा है इधर तरफ पैर बढ़ा रहा है अंदर घुसे जाए, वो होम्योपैथी नहीं हुई। होम्योपैथी के अलावा बहुत कुछ हो गए, जब आप बैठे हैं तो साथ आपके बाजार बैठे, वो होम्योपैथी हुआ। और हमारे सामने हमारे मेंटर हैं, सर हैं, सर बैठते हैं बाहर बाजार लगता है, हम लावाटिंग जाते थे बाहर से, अभी हमने आज यही करने के लिए मैं वहाँ पर रुका, मैंने पूछा वहाँ पर, और सर का नाम हम लोग तो सर को ऐसे खान सर बोलते हैं, लेकिन क्लिनिकल दुनिया में सर को मैंने जो पेशेंट से ही सीखा वो जमा खान बोलते हैं। तो वहाँ पर मैंने चौराहे पे इसी में रुक के कहा ने मुझको एड्रेस दिया था, थोड़ा सा उधर रुक गया, मैंने वहाँ पर पूछा पहले तो बाहर और किसी ने पूछा सर का पूरा नाम, हम कह नहीं भाई जमा खान सर का क्लिनिक है, कहा वो सामने वहाँ पर। तो जब आप बैठे हैं आपके साथ बाजार बैठे, बाजार लगे चाय वाला लगे मुड़ी